हेलो गाइज, हेलो स्टूडेंट। अभी मैंने पूरे बताया था आपको कि जो फिनिशिंग होती है किस टाइप से होती है। आपको बताने जा रहे हैं कि जब हमारा जॉब बन जाता है, जैसे कि ऑपरेशन किसका होता है, जितने भी ऑपरेशन फिनिश कर लेते हैं, फिनिश करने के बाद जितना प्रोडक्ट बनता है, जितना प्रोडक्शन बन जाता है, प्रोडक्शन बनने के बाद उसको क्वालिटी कंट्रोल में चेक किया जाता है। और क्वालिटी कंट्रोल में चेक करने के लिए जो फिनिशिंग वर्क होता है, उस फिनिशिंग वर्क को चेक करने के लिए कई तरह के मेथड होते हैं। जनरली जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है तो वो देख के बता देते हैं किसमें कोई ऑपरेशन छूटा हुआ है या किसकी फिनिशिंग बढ़िया नहीं है, ठीक है, या इसमें कोई स्क्रेच आ रहे हैं, ठीक है, या इसमें बफिंग है, या जॉब के अंदर चटरिंग आ रही है। तो ये क्या होता है, आप आदमी के अनुभव के ऊपर होता है। जो क्वालिटी कंट्रोल में इंस्पेक्टर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अनुभव होता है कि हमारा जॉब किस टाइप का बना हुआ है। तो विजुअली इंस्पेक्शन करते हैं, उससे देख लेते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो वही चीज़ों की जो है क्वालिटी चेक की जाती है। जितने भी इंजन होते हैं या गाड़ियाँ होती हैं, सब चेक करने के बाद, इंस्पेक्शन करने के बाद इनको बाहर निकाला जाता है। कोई कमी नहीं होती, सबको इलेक्ट्रॉनिक रूप से चेक किया जाता है। इसमें कोई कमी नहीं है तो इनको पास कर दिया जाता है और मार्केट में आ जाती है। तो बात कर रहे हैं हम कैसे इंस्पेक्शन करते हैं। पहले इंस्पेक्शन से आप देख रहे हैं, जॉब है हमारे पास, ठीक है, आप देख शाइनिंग देख रहे हो इसमें, जैसे बहुत सारी कमी दिखाई दे रही है। इसमें स्क्रेच भी दिख रहा है, इसमें लाइन भी दिखाई दे रही है, इसमें स्टेप भी दिखाई दे रहे हैं, गड्ढे भी दिख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, चेक करने का तरीका होता है हमारा, लेकिन हर चीज़ को अलग तरह से चेक करते हैं। मान लीजिए हमारा ये थ्रेडिंग वाला वर्क है, तो इसको ऐसे चेक करेंगे, इसमें देखो फिनिशिंग बहुत अच्छी आ रखी है, ठीक है, तो इसमें फिनिशिंग अच्छी है कि नहीं है, इसी बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, क्या इसकी डेप्थ पूरी है कि नहीं है, इसका ओल्ड डाया ठीक है कि नहीं है, इसका जो है मेरिड डाया है और इसका माइनर डाया, पिच डाया, प्रोफाइल एंगल, ये सब सही है कि नहीं है, ये सब चीज़ देखी जाती है किससे, इंस्पेक्शन करके। तो वो चीज़ हम बता रहे हैं आपको। अब आगे आता है, पहले आता है स्पर्श इंस्पेक्शन द्वारा। जब कोई हमने जॉब बना दिया, जैसे जॉब बना दिया हमने, तो उसको हम टच करके देखेंगे क्या सही है कि नहीं है। टच मतलब पहले आता है इंस्पेक्शन। इस विधि में जॉब की सतह को हाथ द्वारा टच करके महसूस करते हैं कि जॉब हमारा सही है कि नहीं है। जॉब आपने हाथ में लिया तो उसमें अगर हमारी स्क्रेचिंग है, ख़राब हो रहा है, हाथ में रफ हो रहा है, ठीक है, हाथ से हमने पकड़ा भी करके चिकना एकदम स्मूथ है तो हमारे लिए सही है। अब वो हमारे हाथ में क्या है, स्क्रेच मार रहा है, इसका मतलब जो हमारा ऑलरेडी ख़राब है। तो ये होता है मैनुअली, इसे बोलते हैं स्पर्श वाला, यानी कि टच मेथड, ठीक है। इसके बाद में आता है दृष्टि इंस्पेक्शन द्वारा। इसमें अंगूठे के नाखून की आकृति या प्रतिबिंब सरफेस के अंदर शीशे की तरह देखा जाता है, इसे बोलते हैं विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन कई टाइप से होता है, ग्राइंडिंग में भी विजुअल इंस्पेक्शन होता है, और इन द लास्ट में जैसे जॉब है तो इस जॉब में विजुअल इंस्पेक्शन होता है पूरा, कि इसके अंदर हमारे कितने आपके ऑपरेशन हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए कंपोनेंट बनकर तैयार हो जाएगा, ये आपके फैक्ट्री में जाएगा, किसी गाड़ी में लगेगा, तो इसमें जितने ऑपरेशन होने चाहिए, जो जो ऑपरेशन होना चाहिए इसमें है कि नहीं है। मान लीजिए ऑपरेशन छूट गया, मान लीजिए कॉलर छूट गया इसमें, तो जॉब रिजेक्ट हो गया ना, तो उसमें बता कि उसमें कोई ऑपरेशन छूटा तो नहीं है। मान लीजिए जैसे ये हमारा जॉब है, इसमें थ्रेडिंग वर्क होनी है, मान लो थ्रेडिंग वर्क छूटी है, आपने आगे बढ़ा दिया तो जॉब का मतलब नहीं रह गया। इंस्पेक्शन द्वारा यदि जॉब की सतह पर स्क्रैच अधिक होंगे तो सरफेस उन्हें ठीक नहीं होती। किसी जॉब के ऊपर स्क्रैचिंग ज़्यादा होते हैं, स्क्रैच होंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, इसके वाला जॉब जो है फिनिश वाली लाइन में नहीं आता है। अगला है इसमें तुलना द्वारा। इस विधि में पहले से तैयार और फिनिश जॉब के साथ बनाई गई जॉब की सतह की तुलना की जाती है। कुछ जॉब क्या है, कंपेयर की जाती है। कंपेयर मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए जो सतह है हमारी, उसको हमें समतल रखना है, तो क्या होता है, इस विधि में सिस्टम बनाया गया तुलना वाले में, कंपेयर किया जाता है कि ये जो हमारा ऐसे बनना है तो ऐसे बना कि नहीं बना, इसमें हमारा जो भी फिनिशिंग आनी है बनी कि नहीं, कंपेयर की जाती है कि एक फिनिश जॉब को ले आए और उस फिनिश जॉब से जो ज़्यादा लोड बना हुआ है, जो तुम्हारे पास आ रखा है, उससे मिलान किया जाता है कि जॉब चमक रहे हैं, ये वाला चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, ठीक है, इसमें सैम्पलिंग लाइट है कि नहीं है, ठीक है, ये स्टेप इसमें है कि नहीं है, तो उससे कंपेयर करते हैं, ये सारे ऑपरेशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो बोलते हैं तुलनात्मक इंस्पेक्शन करना, ठीक है। इसके बाद में आता है कैलिब्रेटेड ब्लॉक्स। इसमें अलग अलग ग्रेड के ब्लॉक फिनिशिंग करके उन्हें एक प्लेट पर स्क्रू द्वारा कस दिया जाता है और सरफेस फिनिश का जो ग्रेड है भी हर ब्लॉक के साथ लिख दिया जाता है। इसके उपरांत जो जॉब हम बनाते हैं उसकी सतह की तुलना ब्लॉक से करते हैं। यहाँ पे बात आई है हर ग्रेड का ब्लॉक के साथ उसके लिख दिया जाता है। होता क्या है कि जैसे बहुत सारे जॉब हमारे प्रोडक्शन में आए, जॉब इकट्ठे कर लिए हमने, हम उनका इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं, तो क्या होता है, एक हम क्या करते हैं कैलिब्रेटेड ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, फिनिशिंग जो फिनिशिंग किए हुए ब्लॉक्स होते हैं उनको बराबर लगा दिया जाता है। अब बराबर लगाया जाता है तो मान लीजिए ये प्रोडक्ट बना हमारा, तो इसका ग्रेड लिखा हुआ है RA25 लिखा हुआ है, RA30 लिखा हुआ है, तो ये किससे मान लो पहले वाले ब्लॉक से कनेक्ट है, तो हम मिलाकर देखेंगे क्या इसकी जो ब्लॉक की जो फिनिशिंग है, क्या इसका फिनिशिंग मैच कर रही है कि नहीं है। तो इस तरह से अलग ब्लॉक लिखे जाते हैं, उन ब्लॉक पर ग्रेड लिख दिया जाता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। तो जो जॉब जिस ग्रेड का बना होगा वो उसी ग्रेड उसी ब्लॉक पर जाकर के उसको रख के देखेंगे, मिलाएंगे क्या ये जैसा बना कि नहीं बना, इसे बोलते हैं कैलिब्रेटेड करना, ठीक है। अगला आता है प्रोफाइल मीटर द्वारा। इस विधि में प्रोफाइल मीटर द्वारा सरफेस की हिल्स और वैलीज में 25 माइक्रोन यथा 0.025 mm तक इसको मापा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये कह रहा है कि हिल्स और वैलीज मापे जाते हैं, इसमें प्रोफाइल मीटर, प्रोफाइल मीटर होता है उसमें जैसे हमारी सतह होती है तो उसमें डाल्टा इंडिकेटर लगा होता है, देखो आगे वो दिखा रहा हूँ मैं, उसमें बना हुआ अभी है, वो तो कैसे काम करेगा उसके लिए मैं बताऊँगा आपको मैं,
ठीक है। उसमें क्या होता है, इसकी सतह पे उस चीज़ को चलाया जाता है, देखा जाता है। उसमें जैसे डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है, उसमें सुई लगी होती है, जैसे देखा होगा आपने, डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है, उसमें ऊंचे नीचे भाग जब चलता है तो देखा सुई ज़्यादा हिलती है, तो उसमें एक रेशियो रखा जाता है 25 माइक्रोन का। वो डायल जो है आपका 25 माइक्रोन से के अंदर जाना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर है तो इसका मतलब जो आपको बिल्कुल सही है। ऑप्टिकल विद्वार आ गया इसमें, इसमें है ये, इसमें इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। यह तंत्र लाइट वेव इंटरफेरेंस के सिद्धांत पर काम करता है। मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपके चेकिंग में आते हैं। क्या है, मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर द्वारा प्रत्यक्ष माप दी जाती है। इससे बिल्कुल पता लग जाता है कि हमारी जो सरफेस फिनिशिंग है वो कितनी है, क्योंकि मैकेनिकल वाली चीज़ें तो इसलिए इससे पता लग जाता है। इसमें क्या है, इसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं, उसमें जो आगे आप देख रहे हैं चित्र बना हुआ है इसमें, ठीक है। इसमें क्या क्या है, इसमें मेजरिंग स्टाइल रहेगा, इसमें स्केल होती है, इंडिकेटर स्केल होता है, इसमें एडजस्टेबल स्क्रू वगैरह होते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे सुई लगी रहती है, जो को हम ये स्क्रू वगैरह है इसमें, और लिखा है एडजस्टेबल स्क्रू लगा हुआ, फिर लिखा है मेजरिंग स्टाइल। और इसमें कुछ हिस्सा जो है डायमंड का बना होता है, इनको क्या है, जब से टच करते हैं तो ये सुई आपकी दाएं बाएं हिलती है। जिससे मैंने बताया 25 माइक्रोन तक वैल्यू होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, जो भी हमारा दो भी निर्धारण है उसके अंदर क्या है, ये सुई आपकी डायल जो है जब हम जॉब पे टच करेंगे इस टाइप से तो वो दाएं बाएं से घूमेगा, तो हमें जितना चाहिए उसके बीच में है कि नहीं है इसको हम देखते हैं मैकेनिकल इंडिकेटर द्वारा। इस टैली सरफेस वाला, टैली सरफेस में क्या होता है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक सरफेस इंडिकेटर है। इसका प्रयोग वर्कशॉप या फैक्ट्री के अंदर किया जाता है। इसके जो है कई पार्ट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसमें दिया है, इसमें मेजरिंग हेड होता है, इसमें इसमें एक स्टाइल लगी होती है, सरफेस एनालिटिक एम्पलीफायर भी होता है इसके अंदर लगा हुआ, मोटर होती है, ठीक है। कहने का अर्थ यह है कि ये टैली आपका सरफेस वाला होता है, ये ऐसी होता है जैसे कि आपका मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर होता है, इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इससे अपडेट होता है। इसमें फ़ायदा क्या है कि जब हम कोई चेकिंग करते हैं तो मान लीजिए हमारी सरफेस हमारी चेकिंग हो रही है, ठीक। तो इसमें क्या है, जो आपके इसमें एक स्टाइलस लगा होता है, इसमें बताया आर वाला स्टाइलस लगा होता है। अब वो जो स्टाइलस होता है वो क्या है, जॉब की सतह पर क्या होता है, इसमें जैसे मैंने बताया था सैम्पलिंग लैब थे, तो एक सैम्पलिंग लैब इतने हिस्से में चेक किया जाता है, उससे ज़्यादा बड़े हिस्से में नहीं चेक करते, तो वो स्टाइल जो है इसके ऐसे करके आगे पीछे चलाते हैं उसके बाद। इससे क्या होता है, आगे पीछे चलाने से इस सरफेस के ऊपर जितने गड्ढे हैं कितना स्मूथ है कि नहीं है, तो इसकी जो रिकॉर्डिंग होती है एक इंडिकेटर पर रिकॉर्डिंग होती रहती है, और उसका प्रिंट भी निकलता है। कैसे प्रिंट निकलता है, जब हाइट चेक किया जाता है उसका जिग्जैग मोशन में देखा होगा क्या है, एक रिकॉर्ड आता है, उस टाइप से ये चीज़ चेक हो जाती है। जैसे कि जब हम चेक करते हैं तो क्या होता है कि मान लीजिए वो इस टाइप से ऐसे जग्जा मोशन में ऐसे करके ऊपर पीछे पड़ता है, ठीक। तो इसमें जो है ये ऊपर वाला निर्धारण है, नीचे वाला निर्धारण है, ये करते हैं। मान लीजिए 2 माइक्रोन के बीच में आ रहा है या 3 माइक्रोन के बीच में आ रहा है, मान लीजिए कोई एक इसमें ऊपर ज़्यादा जा रहा है तो उसके एरिया से आउट हो गया, ऊपर हो गया, तो इसका मतलब लगा कि कहीं पर इसमें ज़्यादा स्पॉट लगा हुआ है। तो जो स्टाइलस होती है ना वो सरफेस पर, ठीक है, वो आगे भी चलती है, आगे चलती रहती है, तो वो इस तरह से आपके एक ग्राफ बनाती है। वो ग्राफ जो है 25 माइक्रोन या उसके माइक्रोन की ग्राफ की वैल्यू होती है, उसके बीच में चलता है वो। अगर बीच में नहीं चल रहा, ऊपर नहीं जा रहा, तो इसका मतलब हमारा वो जो है जॉब आपका इंस्पेक्शन के अकॉर्डिंग सही नहीं है, ख़राब है, आपकी फिनिशिंग सही नहीं है, फिनिशिंग खराब है, ठीक है। जब नीचे चला गया इस टाइप से, ठीक है, तो उसमें एक एरिया होता है, उसमें इतने एरिया के अंदर ही जिग-जैग मोशन होना चाहिए, तो इसमें के अंदर घूम रहा था, इसका मतलब जॉब की सतह बिल्कुल सही है, फिनिशिंग सही है, उसके ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब जॉब फिनिशिंग नहीं है, फिर उसको दोबारा ग्राइंडिंग मशीन पर भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये होता है टैली वाला। फिर लिखा है इसमें किसी फिनिश सतह की सरफेस फिनिश को चेक करते समय इस इलेक्ट्रॉनिक सरफेस इंडिकेटर के स्टाइल्स को फिनिश सतह पर सेट कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, और इस स्टाइल का पॉइंटर सतह पर चलता हुआ मशीन की स्क्रीन पर हिल और वैली की रेखाएँ बनाता है। जैसे मैंने अभी दिखाया ग्राफ में, ऊंचे हिस्से आपके हिल होते हैं और नीचे वाले हिस्से क्या होते हैं, वैली होते हैं, उसकी जो है रीडिंग लेता रहता है, ठीक है। जो सरफेस क्या है अधिक रफ होती है उसको हील और वैली अधिक बनती है, इसमें एक्स एक्स और वाई वाई के साथ जो अधिक होता है उसके द्वारा इसको दर्शाया जाता है। जैसे एक एक्स एक्स होती है, एक वाई एक्स होती है, उसके अकॉर्डिंग इसको एरिया को लिया जाता है, जिससे हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो है फिनिशिंग क्या होती है, ठीक है। इसके बाद अगली वीडियो में बताएंगे आपको कि जब जॉब को बनाई जाती है, जब जॉब ग्राइंडिंग होती है, तो उसमें ABCDEFG एक ग्राफ होता है आपको ट्रेंगल टाइप का, इस टाइप का एक ग्राफ होता है, ऐसे बनता है, ठीक है, इस टाइप से होता है वो ऐसे करके। तो उसमें क्या है, हर चीज़ लिखी होती है उसमें, यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे सी लिखा होता है, तो इनके क्या मतलब होते हैं फिनिशिंग में, ठीक है। तो जॉब बनाने जा रहे हैं तो उस जॉब की ड्राइंग पर लिखा होता है, जो सिंबल बने होते हैं ट्रेंगल टाइप के, उसमें ए लिखा है कि बी लिखा है कि सी लिखा है, क्या लिखा है, तो मान लीजिए कुछ भी उसमें लिखा है तो ये इसमें मशीनिंग होनी है, ठीक है। मान लीजिए जैसे ये है, तो इस मान लीजिए ऐसे ग्राफ बनाया, ऐसे करके ऐसे बनाया है जॉब के ऊपर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उस जॉब में उस जगह पर कोई ऑपरेशन नहीं होना है, ठीक है। या कहीं पे मान लीजिए इससे तीन ट्रिंगल बने हुए हैं, तो
तो सतह का मतलब हो गया कि वहाँ पे ग्राइंडिंग होनी है, ठीक है। उसके बारे में अगले वीडियो बताएंगे कि किस किस प्रकार से वो आरे वैल्यू और जो है फर्स्ट ट्रेंगल, सेकंड ट्रेंगल, थर्ड ट्रेंगल, फोर्थ ट्रेंगल तक होते हैं, इन ट्रेंगल की वैल्यू क्या होती है, आरे मान इसका वैल्यू क्या क्या होता है, आप समझ गए होंगे इसके बारे में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।